आप सभी को नमस्कार। चलो दोस्तों, आज हम नेपाल के राजधानी काठमांडू में अवस्थित ये स्वयंभूनाथ मंदिर का दर्शन कराने के लिए आपको ले जा रहे हैं। बहुत मस्त एरिया है जो हमारे काठमांडू का घूमना लायक टूरिस्ट एरिया है। हर किसी भी आदमी ने एक बार इस जगह पे आना जरूरी है। बहुत रोमांटिक और मस्त फ्रेश रिफ्रेशमेंट वाला जगह है। देखिए हमारे लाइट ऑफ एशिया जिस गौतम बुद्ध का अनावरण है, यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे आदमी यहाँ, बहुत सारे मुल्क से आते हैं यहाँ। बहुत मनमोहक और रोमांटिक दृश्य है। देखिए बहुत सारे बंदर भी है। ये स्वयंभूनाथ आदमी बहुत परोपकार काम में जुट रखे हैं। जरूर एक बार आने वाला जगह है। देखिए जो दिख रहे हैं वो इंडिया से आए हुए हैं, बंगाल से। बहुत मनमोहक दृश्य है। एक बार हर किसी भी आदमी ने इस जगह पे आना चाहिए। और यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उस चीज़ का भरपूर लुत्फ़ तो उठाना चाहिए। देश की नेपाल की बहुत सारी जगह से भी आदमी आते हैं। सीढ़ी सीढ़ी से भरा हुआ ये हमारा चल रहा है भाई, ये यात्रा जा रही है। स्वयंभूनाथ दर्शन करते हुए आदमी आते जाते हुए। देखिए ये हाथ से बनाई हुई ढेर सारा आइटम है। ये जो है बंगाल से आई हुई है। देखिए सब ये हाथ से बनाई हुई है। हाँ बहुत मजे वाली एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे देश से, विश्व के बहुत सारे देश से यहाँ अवलोकन के लिए आते हैं टूरिस्ट लोग। देख सकते हैं आप बहुत सारा ट्रेडिशनल चीज़ें। हालांकि ये देख सकते हो फॉरेन और आपको बहुत खुशी मिलेगा इस जगह के यात्रा करने में। ये बच्चे हैं, बच्चे बंगाल से आए हुए हैं भारत के, और बहुत स्मार्ट लड़का है ये। देख सकते हैं बहुत आर्टिस्ट कलाकृति हाथ से बनाए हुए, बहुत मस्त ये। देख सकते हो आप जो भी है, ये खुद इधर के आदमी ने हाथ से बनाए हुए वाला है मंकी। बहुत ढेर सारा मंकी भी इधर दिखाई देता है। स्वयं के हम शुरुआत में
सौ मंकी का भी ये बेबी है। हाँ देख सकते हो ढेर सारा मंकी भी दिखाई देता है। बंगाल से आए हुए लड़का स्मार्ट है। नाम क्या है बेटा? कब आया नेपाल? आज आया। अच्छा मत करो, करना नहीं चाहिए। हाँ ये बंदर को मत करो, कर लेगा। ठीक है ठीक है ना, डर गए? हाँ डर। हाँ क्या? अच्छा ये बेटा है, लड़का है? लड़की है। तो बेटी बोला। देखिए हमारा गौतम बुद्ध नेपाल, इनका जन्म नेपाल में हुआ। गौतम बुद्ध कुछ नहीं करेगा। स्वयंनाथ बंदर के बच्चे, प्यारा सा बंदर का बच्चा है। और ढेर सारा है, मतलब हमारा ये जो हम यात्रा कर रहे हैं वो दशहरे के सीजन में, इसलिए अभी अभी ये सीजन अभी ऑफ सीजन जैसा लग रहा है, क्योंकि इस टाइम जो भी है गांव चले गए दशहरा बनाने के लिए, सब गांव में चले गए, इसलिए कम है। जो भी देख रहे हैं ये वीडियो, आपसे विनम्र अनुरोध ये करता हूँ कि आप हमारे चैनल में नए नए जुड़े हो तो, नए नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको विनम्र अनुरोध करते हैं, आपको नए नए जो नए नए वीडियो आते हैं इसी हिसाब के एडवेंचर और टूरिज्म क्षेत्र के हम वीडियो लेके आते हैं। और एडवर्टाइज देते हैं, ये हमारा खासियत है। आप देख सकते हैं फॉरेनर भी है हमारा सार्क राष्ट्र से, और बहुत सारा देश और विदेश से है। आ जाएंगे क्या? अभी वो टॉप में हम दिख रहा है स्वयंभूनाथ, और देख सकते हो इन घने जंगलों के बीच से काठमांडू शहर। एक बार आपको बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाएंगे स्वयंभूनाथ के। स्वयंभूनाथ जो स्वयंभूनाथ मंदिर है वो हल्का सा काठमांडू से टॉप में ऊंचाई में पहाड़ की इलाके में है। बेटा ये स्वयंभूनाथ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा कहाँ से आए हो? कौन से राष्ट्र से आए हो? आपका राष्ट्र कौन सा है, कंट्री कौन सा है? असम, इंडिया। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। बहुत सारे जो कलाकारिता है जो भी है, ये जो भी है ये पत्थर से बना हुआ है, बहुत ट्रेडिशनल चीज़ है जो बहुत पहले से बन ये निर्माण हुआ इसका, और बहुत खूबसूरती और देखने लायक जगह है। ये जो दिख रहे फॉरेनर वो देख सकते हो नीचे, बहुत नीचे है।
नीचे हाँ वहाँ से ये दिखाई दे रहा है काठमांडू वैली, ये वैली है। इस वैली में ये काठमांडू नेपाल का राजधानी और कैपिटल है, कैपिटल ऑफ नेपाल। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, देखने में भी बहुत खूबसूरत ही और बहुत लोग जो होता है आकर्षित करने वाला एरिया है। दिख रहे ये टिकट काउंटर हुआ, सार्क कंट्रीज 50, डोमेस्टिक 50 और अदर कंट्रीज ऑफ आउट ऑफ सार्क और डोमेस्टिक 100। ये यहाँ का इंट्रांस फीस है, दिखाई दे रहे है बहुत खूबसूरत नजरिया, खूब बहुत बढ़िया दिखाई दे रहे है। शुंभनाथ ये देख सकते हो, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ है ना, उसी स्टाइल में ये इसका निर्माण हुआ है। मतलब ये देखते हैं स्वयंभूनाथ के मंदिर, बहुत बढ़िया है। वो काठमांडू शहर देखने में बहुत सुंदर है, प्यारा है। हाँ बहुत बढ़िया। आज के यात्रा में हम मित्र राष्ट्र भारत के बंगाल से आए हुए यात्रियों को यहाँ घुमाने के लिए और मनोरंजन के लिए लाए हैं। देख सकते हो आप बहुत सारा जो भी है घूमने के लिए आए, बहुत सारे देख सकते हो। ये बहुत खूबसूरत नजारा है, ये काठमांडू शहर का जो दिखाई दे रही है। बहुत बड़े बिल्डिंग और बहुत घने घने बस्ती है जो काठमांडू में, और यहाँ के ये खूबसूरत नजारा। दिखाई दे रहे है यहाँ पर धरारा टावर, धरारा व्हाइट टावर जो व्यू टावर जैसे भी लगता है। मतलब अभी तो धरारा से भी बड़े बड़े यहाँ पर इमारत खड़ा हो चुका है, खड़ा कर दिया गया। बहुत खूबसूरत नजारा है, देख सकते हो ये स्वयंभूनाथ में बहुत किस्म के भक्तजन और श्रद्धालु आते हैं, देखते हैं यहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ क्या है, कैसे। बहुत बढ़िया है। हाँ देखो बंगाल की स्मार्ट लौंडे जो बंगाल से आए हुए हैं, दिखाई दे रहा है। हम बहुत सारे मुल्क से आए हुए देख सकते हैं, ये हाथ से बनाए हुए जो भी है, हाथ से बनाए हुए ट्रेडिशनल पौराणिक चीज़ें हमारे ये नेपाल के खासियत है। इधर आ बेटा, बहुत तरह की जो काठमांडू सिटी का व्यू यहाँ से बहुत अच्छी तरह से दिखता है। इधर आओ बेटा, इधर आओ। ये व्यू है काठमांडू सिटी का, काठमांडू सिटी। यहाँ से काठमांडू सिटी का फोटो टेक करने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं। ये एरिया बहुत
जबरदस्त एरिया भी है और हाँ यहाँ से जो भी खाने का है, फल फ्रूट नारियल और देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं इधर अपने मेमोरी कैमरे और मोबाइल से शूट करते हुए एक खूबसूरत नज़ारा है ये काठमांडू सिटी का। ये पत्याका ये जो दिखाई दे रहे हैं ललितपुर भक्तपुर और काठमांडू तीन जिले जो भी देख रहे हैं ये नज़ारे खूबसूरत नज़ारे मंदिर से भारी भरा हुआ वाला इलाका है जो हमारा ये रास्ते है उसमें भी ये काठमांडू जहाँ पर मंदिर से भरे हुए ये इलाका बहुत खूबसूरत और देखने लायक है। मित्रों सभी से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ एक बार ज़रूर देखिएगा। ये देख सकते हैं चल बेटा आगे आगे चल मैं कैसे बताऊंगा पहुंच रहे हो ये बाहर से आए फॉरेनर है बहुत बढ़िया नज़ारा है यहाँ से देखने के लिए। एक बार जो भी है जो कोई भी जो ये वीडियो देख रहा है उन्होंने बहुत विनम्र अनुरोध करते हैं इधर कि ये काठमांडू काठमांडू सिटी के जो देखने लायक एरिया है उसमें ज़रूर आएगा। देखने वाला बहुत खूबसूरत एरिया है बहुत खूबसूरत देखिए नारियल पानी और जूस खा रहे हैं यहाँ बहुत खूबसूरत एरिया है आप देख सकते हो ये देख सकते हो चारों तरफ से पहाड़ से घेरी हुई है ये इलाका बहुत खूबसूरत ही इलाका है। इस इलाके में जो भी आते हैं वो बहुत रिलैक्स फील करते होंगे शायद बहुत बढ़िया है यहाँ से काठमांडू माउंट जैसे काठमांडू यहाँ से दिखता है बहुत बढ़िया लगता है और बिजनेस व्यापार करने वाला को भी कम नहीं है यहाँ पर बहुत वैरायटी के इधर आओ बेटा बहुत बढ़िया इलाका है अंदर फोटो खींचने का इजाज़त है नहीं है हाँ सर ये देखिए ये हमारे गौतम बुद्ध ने आसन पर आसन सोए हुए है सोए हुए गौतम बुद्ध दिखाई दे रहे बहुत परंपरागत मूर्तियां है बहुत सारे भगवान और भगवानों का मूर्ति है देखिए और बहुत लंबे समय के इतिहास बहुत लंबे इतिहास के ये देख सकते हैं मूर्तियाँ
सुरक्षित करके रखा है। आ जाओ बेटा, दोनों तरफ से मूर्तियाँ एक कलात्मक शैली में निर्माण हुए वाले पत्थर में, उस जमाने में ऐसा निर्माण किया है, बहुत बढ़िया है। गौतम बुद्ध खड़े हुए, गौतम बुद्ध जी का मूर्ति है हमारे, चलो बेटा चलो चलो इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आए हुए मित्र भारत से बहुत सारे। देखिए ये स्वयंभूनाथ के बहुत सारे मंदिर है, और फोटोग्राफ भी है इधर, फोटोग्राफ। आ जाओ बेटा, ये मंदिर बहुत सारे, काठमांडू भी किसी भी जगह में जाओ मंदिर के अगर कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सुंदर शांत और तपो भूमि, गहन भूमि काठमांडू के स्वयंभूनाथ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारा मूर्तियां है और दीप प्रज्वलित किया जाता है यहाँ पर, मंदिर भी है देख सकते हैं स्वयंभूनाथ, बहुत बड़ा इलाका है स्वयंभूनाथ का। आप मजा से इंजॉय, इधर 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 बहुत इंजॉय कर सकते हैं आप ये स्वयंभूनाथ में, यहाँ से बहुत बढ़िया खूबसूरत नज़ारा, और रिफ्रेशमेंट होने के लिए भी बहुत बढ़िया एरिया है। एरिया जो भी है मंदिर और कलात्मक मूर्तियों से भरा हुआ वाला है, देखिए बहुत ट्रेडिशनल मूर्ति है यहाँ है, यहाँ पर मंदिर है, नज़ारा देख सकते हैं बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं यहाँ पर जो भी है कलात्मकता है, जो भी हाथ से बनाए हुए हाँ बहुत बढ़िया है। फोटो शूट, फोटो गैलरी दिख सकते हैं, फोटो गैलरी है विभिन्न चीज़ों का, और बहुत सारा हाथ से नहीं, हाथ मत लगा बेटा, हाथ मत लगा, जो भी है ये हाथ से बनाए हुए आर्ट है, बहुत महंगा है। और देखिए जो हमारा गौतम बुद्ध जी है, बहुत सारे मूर्ति है आप देख सकते हैं स्वयंभूनाथ में आके, आपका बहुत दिल खुश हो जाएगा, ऐसा खुश हो जाएगा जो आप प्रसन्न हो जाएंगे, मत करो बेटा। स्वयंभूनाथ जो ये टेंपल दिख रहा है बहुत बढ़िया खुशी वाला एरिया है। जो भी दिख रहे हैं ये दिख रहे फॉरेन है, टोटल बाहर से आए हुए है टूरिस्ट लोग है, ये टोटल सब हाथ से निर्माण हुए वाला जो भी है, इधर से यहाँ के बने हुए कलात्मक चीज़ आप शो पीस के लिए भी खरीद सकते हो। हाँ पापा मिल जाएगा, ये जो भी देख रहे हैं बहुत बढ़िया चीज़ है, ट्रेडिशनल चीज़ है, जो बहुत हाथ से खुद अपने हाथ से बनाए हुए वाला है, ये चीज़ देखने में बहुत खुशी लगेगा आपको। ये देख सकते हो ये बंदर नाश्ता कर रहा है, ये जो भी हाथ से निर्माण हुआ है नेपाली मटेरियल से बना हुआ, ये देख सकते हो जो भी है कलाकारिता हाथ से बने हुए वाला है। हाँ इधर आओ,
इधर आ। ये देखिए हाथ से बने हुए बहुत सारा चीज है, एक बार जरूर आइएगा। सुंदर नेपाल में आपका हार्दिक स्वागत। और हमारे चैनल में अभी अभी जुड़ रखे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये हम आपको पशुपति का नज़ारा भी दिखाएंगे कुछ ही दिन में। इसके लिए आप हमारे ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो स्वयं दिखाई दे रहे हैं। खुद दिखने में भी बहुत बड़ी या शांत और सुंदर, बहुत मनमोहक है। इसलिए एक बार जरूर आएगा सर। टोटल जो भी देख रहे ये हमारा YouTube चैनल में जो वीडियो देख रहे सब एक बार जरूर आ जाएगा। ये स्वयंभूनाथ बहुत बढ़िया है, काठमांडू सिटी में जरूर आना चाहिए। जो भी है एक बार ये पौराणिक काठमांडू में आना सबके लिए हित में रहेगा। और काठमांडू शहर बहुत बढ़िया खूबसूरत है, यहाँ जरूर आ जाइए। और हम आपको ले जा रहे हैं गौतम बुद्ध जी के पावन में। बहुत सारा देखिए गौतम बुद्ध, आजा बेटा फोटो शूट कर रहे हैं, फोटोग्राफर है यहाँ के। ये यहाँ के क्या बोलते हैं फोटोग्राफर है। बहुत बढ़िया नज़ारा है, एक चोटी सबैले आउनै पर्छ हैन। यो नेपालको एकदम राम्रो मनमोहक क्षेत्र पनि हो, सबैले एक चोटी जरुर यो क्षेत्रमा घुम्न आउनुला। जय स्वयंभूनाथ, जय पशुपतिनाथ, जय काठमाडौँ, जय नेपाल। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल। थ्याङ्क्स।